वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं सना खान आज फिर से लेके आई हूँ आपके लिए एक न्यू वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो के नीचे लाइक का बटन प्रेस कर दें। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए फिर वीडियो शुरू करते हैं। आज के इस एपिसोड में मैं लेके आई हूँ आपके लिए एगलेस चॉकलेट केक की रेसिपी, जिसे हम बनाएंगे प्रेशर कुकर में। इसे बनाने के लिए हमें कोई केक टिन की ज़रूरत नहीं है और ना ही हम इसमें अंडे का यूज़ करने वाले हैं, और बिना अंडे के भी हम इसे बहुत ही स्पॉन्जी केक बनाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं एगलेस चॉकलेट केक की रेसिपी। एगलेस चॉकलेट केक बनाने के लिए मैं यहाँ पे ले रही हूँ आधा कप मिल्क, ये हल्का सा गुनगुना दूध है, और इसमें हम ये हाफ कप चीनी ऐड कर रहे हैं। हाफ कप मिल्क लिया है हमने और हाफ कप ही हम इसमें चीनी ऐड कर रहे हैं, और इसमें हम 1/4 कप ऐड कर रहे हैं वेजिटेबल ऑयल। आप कोई भी खाने का ऑयल इसमें यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए 1/4 कप है, और इसके बाद हम इसको मिक्स करेंगे, और हम इसे तब तक मिक्स करेंगे जब तक हमारी जो चीनी है वो मेल्ट नहीं हो जाती इसमें और इसका कलर चेंज नहीं हो जाता। तो ये देखिए इसका कलर बिल्कुल चेंज हो चुका है पहले से, और चीनी इसमें घुल चुकी है अच्छी तरह से। अब हम इस पर एक छलनी रखेंगे, और इसमें हम हाफ कप ले रहे हैं मैदा, हाफ कप ही मैं इसमें ले रही हूँ गेहूं का आटा, 1 टीस्पून लेंगे इसमें बेकिंग पाउडर, 1/2 टीस्पून लेंगे इसमें बेकिंग सोडा, 1/4 टीस्पून ले रहे हैं हम इसमें कोको पाउडर, या आप 4 छोटे चम्मच इसमें कोको पाउडर ले लीजिए। और इसको छान लेंगे हम, तो पहले हम इसे मिक्स करते हुए छानेंगे स्पून की हेल्प से, और उसके बाद हम इसे छान लेंगे प्रॉपरली, जिससे जो हमारा कोको पाउडर है और हमारा जो मैदा है आटा है उसमें कोई भी लम्स होंगे तो वो ऊपर आ जाएंगे और हमारा जो बैटर बनेगा केक का वो बहुत ही स्मूथ बनेगा। तो इसको छान लेते हैं। ये देखिए जो गुठलियाँ दिख रही हैं आपको, ये सब हम बाहर निकाल देते हैं, और अब इसको हम धीरे धीरे करके मिक्स कर लेते हैं। तो अभी इसमें 2 इंग्रेडिएंट्स और जाएंगे, तो वो मैं आपको बताती रहूँगी साथ के साथ। चुटकी भर इसमें नमक ऐड कर लेंगे, और उसके बाद हम इसे मिक्स करेंगे। तो ये देखिए काफ़ी थिक सा हो गया है बैटर हमारा। तो हमारे पास आधा कप दूध और है, वो हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा थोड़ा करके। तो टोटल इसके लिए आपको 1 कप दूध की ज़रूरत है, और वो थोड़ा सा ल्यूक वॉर्म होना चाहिए, गुनगुना सा दूध होना चाहिए। और ये मिक्स कर लिया है मैंने, ये देखिए। तो अभी इसमें हम ऐड करेंगे वनीला एसेंस, तकरीबन 1 चम्मच हम इसमें वनीला एसेंस ऐड करेंगे, और इसे भी मिक्स कर लेंगे। थोड़ा सा मिल्क और ऐड करेंगे इसमें, और ये विनेगर है मेरे पास, तो 1 चम्मच इसमें विनेगर ऐड करेंगे। और इसे मिक्स कर लेंगे। तो जो बैटर हमारा है वो काफ़ी थिक है अभी, तो इसमें थोड़ा सा मिल्क और ऐड करेंगे, और इसको थोड़ा सा हमें पतला और करना है। और इसे मिक्स कर लेंगे।
तो ये देखिए बिल्कुल स्मूथ सा बैटर हमारा बिल्कुल रेडी है, लम्स फ्री। और इस तरह का बैटर होना चाहिए, जब आप ऊपर से इसे गिराएंगे तो ये बिल्कुल फ्लो में गिरना चाहिए। तो बैटर को बहुत ज़्यादा पतला नहीं करना है और ना ही बहुत ज़्यादा थिक रखना है, बैटर को इसी तरह की कंसिस्टेंसी में रखना है। तो ये हमारा बैटर रेडी हो चुका है। और यहाँ पे मैं प्रेशर कुकर ले रही हूँ, ये मेरे पास छोटा प्रेशर कुकर है 3 लीटर वाला। तो इसको मैं ऑयल से ग्रीस कर रही हूँ, इस तरह से जैसे हम केक टिन को ग्रीस करते हैं सेम उसी तरह से हम इसे ग्रीस कर लेंगे, यानी कि हम इसमें चारों तरफ ऑयल लगा लेंगे अच्छी तरह से, जिससे हमारा केक आसानी से बाहर निकल आए। तो अब हमारा बैटर जो है वो इसमें पोर कर लेंगे। बाकी बचा हुआ जो बैटर है उसको भी हम एक स्पून की हेल्प से या स्पैटुला की हेल्प से सारा हम इसके अंदर निकाल लेंगे। बचा हुआ बैटर भी मैंने स्पैटुला की हेल्प से निकाल लिया है। और अब मैंने यहाँ पे एक लोहे का तवा लिया है जिसपे मैं रोटी बनाती हूँ, वो रख लिया है, गैस का फ्लेम ऑन कर लिया है और इसको हल्का सा गर्म कर लिया है। और फ्लेम को अब मैंने कर दिया है लो बिल्कुल, और प्रेशर कुकर का ढक्कन मैंने बंद कर दिया है और ये जो विसल है इसकी वो निकाल ली है। आप जब भी प्रेशर कुकर में कोई चीज़ बेक करें या केक बनाएं तो उसके विसल को आप निकाल लें, यानी कि उसकी सीटी को आप निकाल लें ऊपर से, फिर आप इसे बेक कर लें। मैं यहाँ पे इसको 40 मिनट के लिए बेक करने वाली हूँ, तो 40 मिनट्स हो चुके हैं। और ये देखिए हमारा केक फूल के काफ़ी ऊपर तक आ गया है, ये देखिए, और ऊपर से बिल्कुल कुक हो चुका है। अब हम एक नाइफ लेंगे और उसको हम इस केक के अंदर इंसर्ट करेंगे, यानी कि एक चाकू लेंगे और उसको इस तरह से हम केक के अंदर इंसर्ट करेंगे। तो ये देखिए केक हमारा बिल्कुल भी चिपका नहीं है चाकू के ऊपर, तो हमारा जो केक है वो पूरी तरह से कुक हो चुका है, बेक हो चुका है। और अब इसे ठंडा होने के लिए रख देते हैं, जब ये बिल्कुल ठंडा हो जाएगा तब हम इसे प्रेशर कुकर से निकालेंगे। तो ये देखिए ये ठंडा हो चुका है, और अब हम एक चाकू लेते हैं और उसकी हेल्प से हम इसे डीमोल्ड करेंगे। तो एक चाकू की हेल्प से हम इसको थोड़ा सा साइड से इस तरह से निकालेंगे। तो चाकू की हेल्प से हम इसे थोड़ा सा ये जो प्रेशर कुकर की जो साइड्स हैं उसे चिपका हुआ है उसे हटा लेंगे और उसको एक प्लेट में हम इस तरह से निकाल लेंगे और ऊपर की साइड से इस तरह से हाथ से प्रेस करेंगे तो वो निकल आएगा। तो ये देखिए हमारा केक बनके बिल्कुल रेडी है और ये बहुत अच्छी तरह से बेक हुआ है। अब इसे हम सीधा करेंगे, तो सीधा करने के लिए एक और प्लेट लेते हैं और इसके ऊपर रखेंगे और से पलट लेंगे इस तरह से। तो ये देखिए हमारा केक बहुत ही अच्छा बेक हुआ है, बहुत ही अच्छा दिख रहा है। तो मैं आपको इसे कट करके भी दिखा देती हूँ ये किस तरह से बना हुआ है। ये देखिए बहुत ही अच्छी तरह से हमारा केक बेक हुआ है। चलिए इसे कट करके दिखाती हूँ मैं आपको, ये अंदर से भी अच्छी तरह से बेक हुआ है या नहीं। तो इसको मैं काट लेती हूँ साइड से। देखिए बहुत ही सॉफ्ट बना है और ये बहुत ही स्पॉन्जी बना है, मैं अभी आपको दिखाती हूँ। तो इसको निकालते हैं और अभी मैं आपको दिखाती हूँ ये कितना स्पॉन्जी है। इसको मैं प्रेस करूँगी और आप देखेंगे ये वापस अपनी शेप में आ जाएगा। ये देखिए कितना स्पॉन्जी बना हुआ है। तो आप इस तरह से घर पे प्रेशर कुकर में चॉकलेट केक बना सकते हैं, वनीला केक भी बना सकते हैं इस तरह से, और घर पे ही आप केक बना के किसी भी ओकेज़न के लिए रेडी कर सकते हैं। और ये मैंने एक प्लेट में सर्व कर लिया है। तो इस तरह से आप अपने घर पे प्रेशर कुकर में चॉकलेट केक बनाएं और अपना फीडबैक मेरे साथ शेयर ज़रूर करें अपने कमेंट्स के थ्रू। मेरे चैनल पर पहली बार आएँ तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो के नीचे लाइक का बटन प्रेस कर दें।
फिर मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।